इस वक्त हमारे साथ अशोक बराइक जी हैं, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी हैं बीजेपी के झारखंड के। इनसे हम लोग हेमंता विश्व शर्मा ने जो आज बयान दिया है इस पर बातचीत करेंगे कि उनके बयान के क्या मायने हैं। जो उन्होंने कहा है उसके मुताबिक आजसू और जेडीयू के साथ उनका गठबंधन होने जा रहा है, तो रेस्ट जो एनडीए के पार्ट है उनके साथ क्या होने वाला है, उनके लिए क्या इन लोगों ने सोचा है, इसी पर बात करेंगे। अशोक बराइक जी, आज हेमंता विश्व शर्मा ने जो बयान दिया उसके मुताबिक कहा है कि 99% तकरीबन फॉर्मूला तय हो चुका है झारखंड में एनडीए का, और उन्होंने साफ कहा है कि आजसू और जेडीयू के साथ इस बार का चुनाव में वो गठबंधन करने जा रहे हैं। तो जो रेस्ट बचते हैं एलजेपी आर के जो चिराग पासवान हैं, हम के जो जीतन नामाजी हैं, या फिर हुसैनाबाद सीट पर जो अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के जो विधायक हैं कमलेश सिंह, इन लोगों के लिए क्या ये लोग बाहर हो गए एनडीए से, मतलब आउट हो गए क्या? देखिए हम राज्य विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो विधानसभा में आप देखेंगे इससे पहले भी, अब झारखंड जब से अलग हुआ है तब से जदयू एनडीए का एक बहुत ही प्रमुख घटक दलों में से एक था। आजसू भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के घटक दलों में से एक है। तो ये दो दलों तो कभी ना कहीं, जदयू जब झारखंड अलग हुआ था उस समय काफी विधायक यहाँ पर झारखंड में हुआ करते थे जदयू के, उसमें इंदर सिंह नामधारी थे, रमेश सिंह मुंडा जैसे कद्दावर नेता थे, अपने मधु सिंह थे, लालचंद महतो थे, कई ऐसे रामचंद्र केसरी थे ना, खीरू महतो थे, तो कई ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट थी। और अभी सरयू निर्दलीय विधायक थे, वो भी अभी जदयू में शामिल हुए हैं। तो कई कहा जा सकता है तो कि झारखंड अलग होने के बाद जदयू का ये एक फर्टिलाइजर जगह रहा है। तो और आजसू तो लगातार यहाँ झारखंड के एक क्षेत्रीय दलों में से एक प्रमुख दल में है। तो ये दोनों एनडीए के इंटैक्ट तो कभी ना कभी रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में भी आप देखेंगे कि आजसू एक 13+1 का फॉर्मूला के साथ में एनडीए यहाँ चुनाव लड़ी थी। आजसू को एक ग्रेडी सीट मिला था जिसमें वो वहां से माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी सांसद है। तो कहा जा सकता है कि अभी की स्थिति में कि आजसू तो है ही है लोकसभा चुनाव में, अभी 6 महीना पहले वो हमारे साथ थे और पहले से भी वो रहे हैं, और अपने हेमंत विश्व शर्मा जी झारखंड के साथ प्रभारी, असम के माननीय मुख्यमंत्री जी है, अगर उन्होंने इस तरह का बात बोला है कि जदयू आजसू के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी, क्योंकि वह भाजपा के वरिष्ठ नेता झारखंड के साथ प्रभारी भी है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के प्रति काफी आस्था और विश्वास रखती है, और कोई भी गठबंधन विश्वास और आस्था के साथ चलती है। तो कहीं ना कहीं सभी एनडीए के घटक दलों सभी आपस में एक समन्वय बनाएंगे और आने वाले समय में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा वो तय किया जाएगा। नहीं तो ठीक है ना, तो हम तो बयान चूंकि उन्होंने दे दिया है तो उसको सही उसी आधार पर हम बात भी करना चाह रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि आजसू और जेडीयू के साथ आप लोग का गठबंधन होने जा रहा है। तो जो बाकी लोग जो डिमांड कर रहे हैं सीटों की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होटल रेडिसन ब्लू में रांची में करते हैं चिराग पासवान, दो दो तीन तीन दफा उनका कार्यक्रम होता है झारखंड में। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी आप ही के पार्ट हैं, वो भी उम्मीद करते हैं आपसे कि उनको कुछ सीट मिलेगी, और हुसैनाबाद सीट भी अजीत पवार की पार्टी की है, कमलेश सिंह दो दो बार वहां से जीत भी चुके हैं। तो इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों को कैसे, क्या सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर आज चैप्टर क्लोज हो गया? देखिए आपको आपको भी जानकारी है कि गठबंधन कभी कभी केंद्रीय स्तर पर गठबंधन रहता है, क्षेत्रीय दल आपस में राज्य स्तर पर जब विधानसभा की बातें आती है तो कई जगह आपस में लोग समन्वय नहीं बन पाती है तो लोग आपस एक दूसरे के विरोध में भी जाके चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, कि हाँ जो जो भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, देखिए आजसू तो लड़ेगा ही, अब अपने प्रभारी जी ने जदयू को बताया, जदयू केंद्रीय में मोदी सरकार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जदयू भी लोजपा भी, तो अब ये तो आने वाले समय में और 1 सप्ताह 10 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको और भी कई चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। हाँ, लेकिन इतना इतना है कि एनडीए इंटैक्ट है और हम लोग इंटैक्ट होकर हेमंत सोरेन की सरकार में जो 3-4 प्रमुख घटक दल है, चाहे जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, भाकपा माले है, हम इनको हराने के लिए, हम आपस में एकजुट होकर इनको हरा कर रहेंगे, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। नहीं तो एनडीए इंटैक्ट कैसे बोल रहे हैं आप, कहाँ एनडीए इंटैक्ट है, सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं क्या, कि लोकसभा चुनाव में एनडीए है और प्रदेश के चुनाव में एनडीए के जो सहयोगी दल है वो आपस में लड़ सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? क्योंकि अगर देखिए आपने बताया कि नीतीश कुमार और आजसू से ही क्यों, इन लोगों से क्यों नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए 2019 में आपने अकेले चुनाव लड़ा था, आजसू 52 या 55 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जेडीयू के कैंडिडेट भी उतारे गए थे, तो इस बार उन दोनों को तो आप साध रहे हैं लेकिन बाकी लोगों को क्यों नहीं, और नीतीश को नाराज नहीं करने की वजह से आप उनको 2 सीट दे रहे हैं, तो फिर चिराग पासवान के पास भी तो 5 सीट है,
जीतनराम मांझी भी खुद अपने लोकसभा के सदस्य और केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो फिर उनको क्यों दरकिनार किया जा रहा है? देखिए देखिए विषय वो नहीं है। देखिए हर क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में अपने अपने क्षेत्र में काफी मजबूत स्थिति में है। देखिए एनसीपी पार्टी है महाराष्ट्र की, मूलतः महाराष्ट्र की पार्टी है, अजीत पवार गुट की पार्टी है, जीतनराम मांझी की अवामी हिंदुस्तानी जो पार्टी है, हम जो है हिंदुस्तानी अवामी पार्टी, वो बिहार बेस्ड क्षेत्रीय दल है। अभी वो हाल में ही उनके पार्टी का गठन हुआ है। लोजपा भी बिहार बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन आप देखेंगे जदयू का झारखंड में, जब झारखंड अलग होने से पहले यहाँ पर एक काफी बड़ा जनाधार था जनता दल यूनाइटेड। अच्छा अशोक जी, अगर इतना ही बड़ा जनाधार था तो फिर 2019 में आपने क्यों नहीं उनको साथ में लड़ाया? किनको? जदयू को। देखिए मैं तो बोला 14 लोकसभा सीट में, हो सकता है उस समय परिस्थितियां नहीं बनी थी। 14 लोकसभा सीट की बात नहीं, विधानसभा सीट की बात कीजिए ना, विधानसभा चुनाव की बात कीजिए। ये कब की बात कर रहे हैं आप, 2019 की? हाँ जी, हाँ जी। देखिए 2019 में आप देखेंगे कि जिस तरह से बिहार के राजनीतिक में पल पल में जो परिवर्तन, राजनीतिक जो उथापथल हो रही थी उस समय, देखिए राज्य झारखंड में क्या आप शुरू से देखेंगे, आप झारखंड 2019 में आपके साथ थे नीतीश कुमार जी, तभी 39 सीट आई थी एनडीए को 40 में से बिहार में। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार आपके पार्टनर थे, 16 सीटें जीती थी उन्होंने एनडीए में रहते हुए, 39 सीट। नहीं नहीं नहीं, वो विषय मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का अर्थ ये है कि देखिए जदयू का 2005 से पहले तक काफी विधायक थे, उसके बाद उनके संगठन में यहाँ कमी आई, यहाँ चुनाव उनके कार्यकर्ता जीत नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो लगातार संगठन भी कमजोर होता गया। लेकिन कुछ दिनों से जब से खीरु महतो जी प्रदेश अध्यक्ष है, और लगातार यहाँ देखेंगे जनता दल यूनाइटेड, वो राज्यसभा सांसद भी है बिहार से, और कई कई वरिष्ठ नेता जनता दल यूनाइटेड में जदयू में शामिल हुए हैं, और झारखंड में ऐसी स्थिति में आए हैं कि जो हम लोग 2005 से पहले 2005 के समय जो जनता दल यूनाइटेड के जो हम लोग विधायकों की संख्या देखते थे, मतलब आपको लगता है कि इनका जनाधार है इसलिए आपने उनको अपने साथ रखा है और टिकट भी देंगे, लेकिन इन लोगों का जनाधार नहीं है इसलिए ये लोग साथ में नहीं आ रहे, ये कहना चाह रहे हैं अशोक जी, यानी चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और ये हुसैनाबाद के जो है पॉलिटिकल। देखिए कोई भी पॉलिटिकल, जनता दल यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट में भी है, एनसीपी भी नॉर्थ ईस्ट में ही है, कई वरिष्ठ नेता एनसीपी में नॉर्थ ईस्ट आते थे। मेरा ये कहना है कि देखिए किसी भी चुनाव लड़ने के लिए कोई भी गठबंधन दल के सहयोगी दल आपस में जब उम्मीदवार तय करते, पहले वो अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र पे वो पहले अपना आकलन करते हैं कि मेरा प्रत्याशी वहां से जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। तो इसलिए खाका जो तैयार होता है गठबंधन का, वो उसी आधार पे तैयार होता है कौन से अमुक सीट किस दल को जाएगा। अगर वहां पर किसी अमुक सीट पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास एक बहुत मजबूत कार्यकर्ता होगा तो उस सीट पे दावा ठोकेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो गठबंधन का जो फॉर्मूला तय होता है, और खास करके एनडीए का, ये काफी एक एक माइक्रो लेवल पे जाके ये गहन चिंतन मंथन किया जाता है, उसी हिसाब से प्लानिंग तैयार की जाती है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है। तो यही गहन चिंतन मंथन के बाद आप लोग ये नहीं पाए कि चिराग पासवान या जीतनराम मांझी या हुसैनाबाद सीट, ये तमाम लोग मतलब आपके लिए कारगर नहीं है? गहन मंथन चिंतन के बाद ही नहीं बातें कही गई है? ममता विजय शर्मा ने जो बात कही है आज, एक तरह से ऐलान कर दिया उन्होंने। देखिए कोई भी स्टेट में, झारखंड मुक्ति मोर्चा उड़ीसा में नहीं है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा उड़ीसा में भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अच्छा, ये अच्छा अशोक जी, चलिए क्लोजिंग पे चलते हैं। आप ये आश्वस्त करेंगे कि आप उन लोगों को साथ में नहीं रख रहे हैं, फिर भी वो लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे अकेले, या फिर उनको छूट दे रहे हैं कि उनकी उनकी जो मंशा है, उनको जो सही लगता है वो करें? देखिए आप जितने भी दल की बातें की, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, लोजपा हो, आम आदमी हिंदुस्तानी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये सभी देश में एनडीए के एक सहयोगी पार्टनर के रूप में सरकार के मतलब केंद्र में चला रहे हैं। और देखिए सभी वरिष्ठ नेता आपस में तय करते हैं। आपने देखा होगा कि लोजपा आर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय चिराग पासवान जी, भी आदरणीय जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी से मुलाकात किया था। फिर अपने जदयू के भी कई वरिष्ठ नेता लगातार मुलाकात किए, आजसू के भी नेता मुलाकात किए। तो देखिए फॉर्मूला और गठबंधन कैसे होगा ये तो आपस में सभी वरिष्ठ नेता, चूंकि सभी एनडीए के पार्टनर हैं, सभी आपस में बात कर रहे हैं। अब इसमें जो भी रूपरेखा तय होगी वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। नहीं ठीक है, पता तो चल ही गया, पता चलना क्या है, पता तो ममता विजय शर्मा जी ने कह ही दिया कि हमारा इस बार के चुनाव में आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन हो गया, तो मतलब ये। और थोड़ा सा ये हुसैनाबाद सीट को लेकर जरूर लग रहा है, क्योंकि वहां पे आपके
जहां तक मुझे लगता है कि शायद कोई बीजेपी का प्रत्याशी भी नहीं था पिछली बार या उससे पहले भी, आशू के जरूर चौथे पांचवें नंबर पे रहे थे, तो वो सीट भी कैसे आप लोग खुद से लड़ना चाहते हैं तो आप ही लोग बताएंगे। खैर चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि एनडीए में जो टूट की बातें सामने आ रही है, एनडीए में जो बिखराव की बातें सामने आ रही है, वो ना हो। और बिल्कुल झारखंड के एनडीए में कोई बिखराव नहीं है, सभी इंटैक्ट होकर हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प के साथ हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है लगातार सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पे आपको साथ नजर आ रहे हैं, कहीं कोई अंतरकला नहीं। चलिए चलिए ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि क्या एनडीए वाकई में इंटैक्ट है, जो राष्ट्रीय लेवल पे जो एनडीए है, क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी या फिर हुसैनाबाद सीट पर कमलेश सिंह अकेले ताल ठोकते हैं या नहीं ठोकते हैं, ये भी एक चैलेंज है आप लोग के लिए सुलझाना की मसला जो आप कह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद।